First Blood. तो गाइस आपने जो अभी गेम प्ले देखा ये मेरे ही क्राफ्टलैंड का गेम प्ले था। आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस बंदे ने क्राफ्टलैंड में लिमिटेड एमो नो कैसे करी। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप वापस क्राफ्टलैंड में अनलिमिटेड बॉल कैसे ला सकते हो, क्योंकि गरेना ने आफ्टर अपडेट क्राफ्टलैंड से लिमिटेड एमो नो का ऑप्शन हटा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको इस मैप का व्यू दिखा देता हूँ। एंड हाँ गाइस, अगर आपको भी मेरे फ्रेंड लिस्ट में आना है तो आप कमेंट में अपनी UID और अपने जो इन गेम नेम रहता है उसको आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज दूंगा। तो गाइस अपने जो मैप होने वाला है ये पूरा खाली मैप होने वाला है एंड आप इसमें आराम से अपना गेम प्ले को इंजॉय कर सकते हो और अपने वन टैप को भी इम्प्रूव कर सकते हो। बस यहाँ मैंने सबसे पहले अपनी सेकेंड ID को लॉगिन कर लिया है, क्योंकि मेरी फर्स्ट ID में क्राफ्टलैंड का रूम नहीं था। तो गाइस इस ID में मेरे पास यहाँ क्राफ्टलैंड का रूम है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे लिमिटेड एमो नो कैसे ला सकते हो। तो गाइस आपको सबसे पहले माय वर्केबल पे चले आना है एंड जिस मैप को मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ आपको उसको कॉपी करके इस मैप को यहाँ सब्सक्राइब कर लेना है और क्रिएट कर लेना है। एंड गाइस मैं पासवर्ड वगैरह सेट कर लेता हूँ। आपको इस कस्टम में 6 vs 6 का राउंड मिल जाएगा एंड आपको इसमें लिमिटेड एमो नो भी मिल जाएगा। मैं अपने यहाँ फ्रेंड्स को यहाँ इनवाइट कर लेता हूँ एंड आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ लिमिटेड एमो नो आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड आ चुका है एंड मैं आपको यहाँ स्टार्ट करके भी बता देता हूँ कि अपने जो क्राफ्टलैंड में अनलिमिटेड एमो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो गाइस यहाँ मेरा गेम लग चुका है। आप जब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस जो जो पहला राउंड था उसमें मैंने M500 गलती से ले लिया था, इसलिए मैं आपको सेकेंड राउंड की क्लिप दिखा देता हूँ। तो गाइस सेकेंड राउंड में मैंने बॉल और डेजर्ट ईगल ले ली थी एंड आप देख सकते हो कि इसमें अपनी अनलिमिटेड बॉल आपको दिख जा रही है। और गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।